उमरान मलिक की फास्ट एंड फ्यूरियस जो इंडिया की आज बॉलिंग देखने को मिली है, उमरान मलिक और शिवम मावी ने तो कमरिया तोड़ दी थी। क्या बात है, ईशान से अच्छा एशिया में कोई कीपर नहीं है भाई, ना रिजवान है, ना कार्तिक है, ना ही संजू है। बात तो सही है। हैरानी होती है कि इंडिया अपने घर में हारता ही नहीं है, हारता ही नहीं है, जब हारने वाला होता है तब भी जीत जाता है। जली ना तेरी भी जली ना। भाई बिग रिस्पेक्ट दीपक हुड्डा के लिए, एक्सलेंट, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिक बैट स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों कल भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह हराते हुए भारत की तरफ से शानदार गेंद करते हुए उमरान मलिक और शुभम नाबी ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को कमर तोड़ डाली है। दोस्तों इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया चौंक गई कि वो कह रहे हैं कि भारत के पास इतना सारा फास्ट बॉलर कहाँ से निकलता है। दोस्तों आप भी जानिए पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहती है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मजेदार था, उतार चढ़ाव मैच में बहुत ज्यादा थे। शिवम मावी ने पहले श्रीलंका को काबू में कर लिया, उसके बाद उमरान मलिक की फास्ट एंड फ्यूरियस जो इंडिया की आज बॉलिंग देखने को मिली है, उमरान मलिक और शिवम मावी ने तो कमरिया तोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद हमारे जो भाई साहब है हर्षल भाई, उन्होंने कहा रुको, सबर करो, तो ये सभी बाकी है। जो उमरान मलिक और शिवम मावी ने श्रीलंका की कमर तोड़ी थी, ऐसे में सबसे ज्यादा जो खुश हुआ वो शिवम मावी के लिए। मावी मेरा बड़ा फेवरेट बॉलर है और मैं बड़ा खुश हुआ जब उसको आज डेब्यू करवाया गया और उसने बड़ी कमाल बॉलिंग की, और उमरान मलिक ने आज बड़ा जबरदस्त गेंदबाजी की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कहते ना मुझे हैरानी होती है कि इंडिया अपने घर में हारता ही नहीं है, हारता ही नहीं है, जब हारने वाला होता है तब भी जीत जाता है। आज श्रीलंका के हाथ में मैच आ गया हुआ था, जो उनके कैप्टन ने इनिंग्स खेली उसके अलावा जब हसन अंगा और उसकी पार्टनरशिप लगी थी तो मुझे लग रहा था कि मैच ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद हसन अंगा तो आउट हो गए। शिवम मावी क्या जबरदस्त किस्म का बॉलर, कहां से निकला, कैसे आया, इसके बारे में जरूर मुझे डिटेल बताइएगा कि कहां का लड़का है ये, क्योंकि मैंने इसको दूसरी दफा मरतबा खेलते हुए देखा हुआ है। तो क्या जबरदस्त किस्म का लड़का है, क्या बॉल करते हैं, आते साथ उसने विकेट निकाली है, उसके बाद जब पार्टनरशिप लगी तब भी आके हसन अंगा को वही आउट कर गया। ओवरऑल उसकी कीपिंग का लेवल इज फार बेटर देन एनी अदर, चाहे इसमें किसी का भी पोका, किसी का भी रिश्तेदार हो, ईशान किशन बाय फार लुक्स द बेस्ट विकेट कीपर इन एशिया। मैं वर्ल्ड का नाम इसलिए नहीं ले रहा, थोड़ा जहन में सोचूंगा और कीपर्स के बारे में। ईशान से अच्छा एशिया में कोई कीपर नहीं है भाई, ना रिजवान है, मैं कीपर की बात कर रहा हूं, ना पंत है, ना कार्तिक है, ना ही संजू है, सरफराज भी नहीं है, ना श्रीलंकन विकेट कीपर है, सरफराज दोनों सरफराज भी नहीं है जी, मिला के वो वाले भी और ये वाले भी दोनों। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। भाई भाई मैं दोस्तों यकीन करो, जब जब भी क्रिकेट स्टार्ट होता है ना इंडिया का, तो उस महीने मेरे जिस्म में दर्द होता है साला, पता नहीं क्या क्या करता रहता हूं, मेरे को वो समझ में नहीं आता भाई। ये क्रिकेट साला खत्म ही क्यों होता है, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यू रहना चाहिए भाई साहब। और हाँ भाई साहब, आज हमारे पड़ोसी बड़ा वेट कर रहे थे भाई इस मैच का, कहाँ हो रहे पड़ोसी हो सूझी है। गजब बेइज्जती है।